हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरा डिजिटल सूत्रा। तो पहले वीडियो में हम लोग सीख लिया कैसे एक वीडियो में स्लो मोशन करते हैं और वीडियो को रिवर्स स्पीड में एडजस्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और एक सिनेमैटिक वीडियो एडिट करना थ्रू स्लो मोशन एंड रिवर्स स्पीड। और क्रोमा की जो पहले हम लोग आपको सिखाया था वो क्रोमा की यूज करके हम लोग एक वीडियो एडिट करना सीखेंगे। वीडियो कैसा होगा आपको दिखा देता हूँ। पहले ऐसा कुछ वीडियो तो ऐसा वीडियो कैसे एडिट करते हैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले कोई वीडियो ट्यूटोरियल आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो कैसे एक शॉर्ट सिनेमैटिक वीडियो को एडिट करता है थ्रू स्लो मोशन, रिवर्स स्पीड एंड क्रोमा की। पहले आप कुछ क्लिपिंग्स को इनपुट कीजिए टाइमलाइन में, जैसे कि मेन फुटेज जो है, मेरा मेन फुटेज है ये वाला, दिखाता हूँ आपको, ये वाला मेरा मेन फुटेज है, इसको इनपुट कर लीजिए और इसका मोशन थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ओके, इसके बाद ये फिट टू स्क्रीन हो गया। अब इसको प्ले करके देखिए कुछ ऐसा है। ओके, पहले तो इसका ऑडियो ऑनमिक करके हटा दीजिए, ऑडियो का फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी इसका मोशन दीजिए 70%। स्लो मोशन कैसे करना है पहले वीडियो में आपको दिखा दिया। आपको अगर स्लो मोशन कैसे करना है देखना है तो पहले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो 70% करके ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी देखिए वीडियो का स्पीड कैसा हो गया, ऐसा कुछ हो गया। ओके, उसके बाद देखिए एक क्रोमा की में जैसे कि ऐसा कुछ लव पर्टिकल्स गिर रहा है, ऐसा कुछ वीडियो फुटेज हमने ले लिया, यहाँ से प्रेस कर दिया और इसको भी अनलिंक करके ऑडियो को हटा देते हैं क्योंकि ऑडियो में कुछ नहीं है। तो ऑडियो को हटा देके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये ओवरलैपिंग हो गया। उसके बाद इस पर क्लिक करके इफेक्ट में जाके सर्च करना है अल्ट्रा की, ULTRA अल्ट्रा की, देखिए आ गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कलर पिकर को लेके ग्रीन में क्लिक कर दीजिए। देखिए ग्रीन का जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली उड़ गया। ओके, ये थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए आपको इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है, ब्लेंडिंग ऑप्शन आप स्क्रीन पे कर दीजिए। ओके, ऑपेसिटी थोड़ा डाउन कर दीजिए, 85% कर दीजिए। ओके, तो ऐसा हो गया। इसके बाद इसको मेरा जो कलर प्रीसेट है, कलर प्रीसेट से कलर करते हैं। इफेक्ट में जाके प्रीसेट में देखिए मेरा जो एक कलर प्रीसेट है सिनेमा स्टाइल इफेक्ट, उसमें से आप विविड कलर 4 को सिलेक्ट करके इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। इसमें भी ड्रैग कर दीजिए और नीचे वाला में भी ड्रैग कर दीजिए। ओके, तो कलर दोनों में ही कलर हो गया। इसके बाद आप म्यूजिक ऐड करिए, जैसे कि मेरा म्यूजिक यहाँ पर है, म्यूजिक को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पहले। इसको वीडियो को डिलीट कर दीजिए क्योंकि सिर्फ म्यूजिक हमको लगेगा, तो वीडियो को डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ से आपको क्रॉप करना है, एकदम एंड में जाके यहीं तक क्रॉप करना है। ठीक है, उसके बाद इसको एडजस्ट कर दीजिए। देखिए वीडियो का थोड़ा बराबर ही हुआ। ओके, तो ऐसा ऐड हो गया। अभी इसको सिनेमैटिक फ्रेम देना है, मतलब कलर मेट देना है। न्यू फाइल में जाके न्यू में देखिए कलर मेट, इसमें जाके ओके कर दीजिए और कलर मेट ले लीजिए। इसमें ऊपर में ड्रैग कर दीजिए, इसको बड़ा कर दीजिए और इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी कर लीजिए ऊपर वाला ट्रैक पे। इफेक्ट में जाके सर्च कीजिए क्रॉप, CROP, क्रॉप यहाँ पे ड्रैग कीजिए और ऊपर वाला जो लेयर है उसमें भी ड्रैग कीजिए। ऊपर में टॉप में दीजिए 90 और नीचे का बॉटम में दीजिए 90। देखिए ऐसा कुछ हो गया। अभी इसको प्ले करते हैं।
ऐसा करके आप कोई सिनेमैटिक वीडियो एडिट कर सकते हैं थ्रू स्लो मोशन, क्रोमा की एंड रिवर्स पिगमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही है। आप इस वीडियो से कोई वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।